नमस्ते मामी। खुश रहो। माँ मामी आई हैं। लेटी रोती थी, कैसी है तबीयत? लक्ष्मी पहले ये बताओ कि तुमने फोन किया या नहीं, मोहन से बात हुई या नहीं? हाँ वो जनार्दन जी के घर पर ही है। अच्छा तो फिर उसने इतने दिनों में फोन क्यों नहीं किया? बता उसने कुछ बताया कि नहीं? वो जानता नहीं कि हम यहाँ कितने परेशान हैं? इतने सारे सवाल एक साथ करोगी तो कैसे जवाब दूंगी? पहले बता मोहन ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। और वो? वो कल तक तो नहीं पहुंचे थे लेकिन शायद अभी पहुंच गए होंगे। लेकिन लक्ष्मी जब तुमने फोन किया था तब भी तो उन्हें गए हुए दो दिन हुए थे। हाँ मोहन अभी जनार्दन जी के इंतजार में ही वहां रुका हुआ है, अब तक तो बाप बेटे मिल भी चुके होंगे। लेकिन ऐसा मिलना भी क्या मिलना, मोहन कितना मायूस होगा जब उसे पता चलेगा कि अब उसके पिता की दुनिया में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, अब उनके लिए कोई सीता नहीं, कोई गौरी नहीं और कोई मोहन नहीं, बस अगर कोई है तो उनकी दूसरी बीवी और उसके बच्चे। अब चिंता मत करो दीदी, मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन जनार्दन जी वापस आ जाएंगे यहाँ आपके पास। नहीं लक्ष्मी 20 साल से वो जिसके साथ रह रहे उसे वो भूल नहीं पाएंगे और अब हमसे मिलने के बाद हमें भुला नहीं सकेंगे। अच्छा ये बता मोहन ने राधा के बारे में पूछा कि नहीं? कैसे पूछता, वो जानता है कि अब वो मेरी बहू है। लेकिन राधा खुश है ना? दुखी है और शायद धनराज भी बहुत दुखी है, पछता भी रहा है कि उसने राधा के साथ शादी किससे क्यों की। राधा से कहना, मेरी तरफ से कहना कि जो भी हुआ है उसे नसीब का फैसला समझकर मान जाए। राधा जेठ जी तुमसे बात करना चाहते हैं। जी कहिए। क्या धनराज तुम्हें पसंद नहीं? धनराज मेरा पति है। तो फिर वो तुमसे खुश क्यों नहीं? शायद इसलिए कि मैं भी उससे खुश नहीं हूँ। राधा? हाँ और मैं खुश क्यों नहीं हूँ ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। राधा अगर तुमने अपनी पुरानी जिद नहीं छोड़ी ना तो मैं तुम्हारी हड्डी फसली तोड़ दूँ। ओह तो शायद इससे धनराज को तसल्ली मिल जाएगी, खुश हो जाएगा। धनराज खुश कैसे होगा ये उसकी पत्नी होने के नाते तुम्हें मालूम होना चाहिए। जब आपका बेटा ही पति होने के काबिल नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। राधा तमीज से बात करो, ये तुम्हारे ससुर है। अगर ये तमीज आप अपने जेठ जी को सिखाएंगी तो बेहतर होगा। उन्हें समझाइए कि वो अपनी बहू से बातें कर रहे हैं और एक ससुर अपनी बहू से इस तरह के सवाल नहीं करता है कि एक पति पत्नी के बीच उनके बेडरूम में क्या होता है। मेरे ना चाहने के बावजूद भी मैंने धनराज से शादी की, पत्नी होने का हर फर्ज अदा कर रही हूँ। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि उसकी पत्नी के साथ साथ मैं उसकी प्रेमिका होने का भी फर्ज अदा करूँ तो आई एम सॉरी ये नामुमकिन है, क्योंकि धनराज मोहन नहीं है।